हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और सीढ़ियों से धीरे धीरे आ गई मैं छत पे चढ़ के, क्योंकि छत पे धूप पाए बहुत ही अच्छा है, तो नीचे लग रही थी ठंडी, वो आना पड़ा छत पे मुझे। और यहाँ देखिए कल के कपड़े हैं सारे, तो इनको फैलाना पड़ेगा धूप में, क्योंकि रात में बाहर ओस गिरता है तो इनको अंदर कर दिया जाता है अगर नहीं सूखे होते हैं तो। और सुबह भी फिर इनको करना पड़ता है बाहर, तो चल रही हूँ इनको लेके बाहर। और ये हम लोग का ऊपर स्टोर रूम, जहाँ पर बाकी के सामान जो है उसको स्टोर किया जाता है। तो कपड़े जा रहे हैं रस्सियों पर, और एक तरह से हाथ फंसा, एक हाथ से कैमरा है, कपड़े डालने में हो रही है थोड़ी सी दिक्कत। और बाकी के कपड़े नीचे साफ भी हो रहे हैं। हवा इतनी तेज चल रही है कि सारे के सारे कपड़े यहाँ पर देखे गिर जा रहे हैं। प्रज्वल भैया कहीं जा रहे हैं क्या? चुलबुली, तो अभी हम बुला रहे हैं चुलबुली को, क्योंकि कपड़े जो हमारे छत पे फैलाने गीले वाले जो हैं, क्योंकि उनको लेके छत पे नहीं आ सकती, पैर में मोच की वजह से दर्द हो रहा है, तो उसकी तो सीढ़ियाँ पकड़ूंगी कि तो कपड़े पकड़ूंगी। और मेरे छत से देखिए हमारा गेट कितनी दूरी पर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि 500 मीटर की दूरी पर दिख रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे। देखिए फ्रेंड, भाभी दिख जाएंगी छत पर आप लोग को, इधर उधर थाली सजाई हो कि थाली बिगाड़ी हो नीचे मेरा लंच का। अच्छा तो फ्रेंड, आज का लंच मुझे आकृति ने दिया है, तो चलो देखते हैं नीचे कैसी थाली लगाई है। ए, तुम खाना खाए? चार रोटी? अरे बाप रे, हम मर जाएंगे। चलो दो रोटी दिए। ये अच्छा की हो, थोड़ा सा चार दिए, प्याज काटे है, मिर्ची नहीं दी हो? मिर्ची नहीं, मिर्ची का चार है। हाँ, मिर्ची का चार है ना? बाला, बाला। ओ, हरा मिर्च का चार है, बड़े वाले डिब्बे में तुमको नहीं। ए, बाला, 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 मिर्ची का चार दे। तो लंच वाली थाली सचमुच में आकृति बहुत ही अच्छा से डेकोरेट करके मुझे दी है, चावल, सब्जी, दाल, रोटी, प्याज, अचार, सब कुछ जैसे परोसना चाहिए वैसे बिल्कुल परोसी हुई है। तो अभी हम लोगों ने कर लिया लंच, मैंने भी, बाबू ने भी, और बाबू बिजी अपने मोबाइल में, और मैं यहाँ पर जा रही हूँ थोड़ी देर आराम करने, क्योंकि दवा खाने के बाद मुझे आ रहा है नींद। बाबू, बाबू क्या देख रहे हो, सबको दिखाओ थोड़ा। तो हाँ, वो ये देख रहे हो? अच्छा, वाह, बाबू इस मोबाइल में तो एकदम बिजी है। और आकृति चले गए कोचिंग के लिए, उसके कोचिंग का टाइम है। और टाइम की बात की जाए तो दोपहर के 3 बजने वाले हैं, बाबू के पापा जी आ चुके हैं, और इन्होंने मेरे पापा का मोबाइल लिया हुआ। मैं लंच की थोड़ी देर बैठी, आराम की, और फिर थोड़ा सा टीवी देखी, फिर दवा खाई, तो अभी नींद आ रही मुझे, तो फिर चलो सो लें। और अभी मिली आप लोग से शाम के टाइम में। शाम का टाइम है, और इस टाइम टाइम की बात की जाए तो 6 या 6:30 के आसपास में हो रहा होगा। तो बाबू ले आए लैपटॉप, और अपने लिए पेंटिंग कभी कर रहा है, कभी कार्टून बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी इसके साथ में, क्योंकि जो भी पूछ रहा था इसको बता रही थी। तो पहले तो बाबू लैपटॉप नहीं चला पाता था, पर अब धीरे धीरे मतलब माउस, प्रिंट, फिंगर सब कुछ अच्छे से चला लेता है, और पेंटिंग वेंटिंग भी अच्छे से कर लेता है, लेकिन पेंसिल वाला जो होता है अभी नहीं पकड़ पाता है उसको। तो धीरे धीरे मतलब आकृति तो बहुत पहले ही ये सब सीख गई थी, लेकिन बाबू को अभी मतलब कुछ दिन पहले ही आया है, तो अब बाबू भी धीरे धीरे प्रैक्टिस अपना डेली करता रहता है इस पर। और जो कुछ भी मतलब नहीं आता तो साथ में रहती तो बता देती हूँ ना, तो ऐसे बाबू अक्सर कार्टून लगा के देख लेता है। तो अभी देखिए, अभी भी आ गई इसको डिस्टर्ब करने के लिए, क्योंकि अगर जब भी बाबू लैपटॉप चलाए और आकृति आके उसको परेशान न करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अब ये आकृति इसको बोल रही थी कि दो हम तुमको कुछ सिखाएं, लेकिन बाबू उसको देने से बाज नहीं आ रहा था। और हम अभी आ गए बाहर,
तो साथ में फिर से बाबू बाहर आ गया लैपटॉप लेके, और यहाँ पे इतना एकदम सीरियस होके अपना काम कर रहा है, जैसे लग रहा है कि इसे बहुत जिम्मेदारी मिली है इसको। और इधर किचन में बना रही हैं आज हमारी माता जी जो मटर होता है और आलू उसका घुघरी, तो आज इनके हाथ का मन था सबको खाने के लिए। तो साथ में आकृति हेल्प कर रही है, और ज़्यादातर आकृति फोर्स की थी कि आकृति को अपने अम्मा के हाथ का मटर वाला घुघरी खाना, क्योंकि वो बिना मिर्ची का मतलब बनाती है सादा वाला, मैं ऐसे नहीं बना पाती, बाकी सब्जी बन गया है। तो देखिए मटर वाला घुघरी है जो थोड़ा सा बन रहा है आकृति ही के लिए, आकृति के पापा के लिए, मैं भी टेस्ट करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूँगी। तो ये थोड़ा ही बन रहा है बस सबके डिमांड पे। और यहाँ पे देखिए सामान कुछ इस तरह से किचन का आज फैला हुआ है, जिसको कि अभी एडजस्ट करना है, समेटना है। तो ये पूछ रहे थे क्या कर रही हो, फोटो खींच रही हो क्या? तो ये रही हमारी डिनर वाली थाली, जिसमें सब्जी भी है, ओला घुघरी भी है, रोटी भी है, और चावल को मैंने फ्राई कर दिया है वो भी है, और साथ में चटनी भी है। तो आकृति ने कट किया हुआ था प्याज, तो प्याज को भी आकृति ने थोड़ा सा ऐड कर दिया। और बाबू के पापा की थाली और बाबू की थाली लोग की तो हो गई है फिनिश, और मैं जस्ट अपना डिनर वाली थाली अभी ले कर बैठी हुई हूँ। तो आकृति भी साथ में मेरे डिनर की हुई थी। डिनर करने के बाद यहाँ पर आगे भी चंपी करने की बारी। तो जब से पैर में चोट लगा है बहुत कुछ सेवा हमको मिल रहा है। जैसे देखिए अभी बाबू बोला कि सर दर्द कर रहा है, मैंने बोला नहीं, बोला नहीं दो मैं चैम्पी कर दो, तेल रखा उसके बाद चैम्पी बहुत अच्छा किया, और बहुत मज़ा भी आ रहा था मुझे, लेकिन पूरा बाल का ऐसा का तैसा कर दिया था मेरा।